डिजन पंजाब टीवी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत आ। प्रोग्राम लैके हाजिर हाँ जी, बोलो नेता जी। अज के इस प्रोग्राम के साडे नाल ने आम आदमी पार्टी के हलका राजपुरा तो विधायक मैडम नीना मित्तल जी। मैडम नीना मित्तल पहली बार जोड़े है आम आदमी पार्टी की टिकट तो जी जित के विधानसभा के पहुंचे है, उन्होंने गलबात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा विजन। बहुत बहुत धन्यवाद जी। विजन पंजाब टीवी देखते सारे दर्शकों को मेरी प्यार भरी सत श्री अकाल। की लोगों की मंगा की है, की एक्सपैक्टेशन थो तो करते हैं, कि प्लानिंग की है हल्के की कुछ होने वाला है लोगों मुताबिक? देखो जिहड़ा राजपुरा हलका है एक बड़ा शांतपई हलका है, इत्थे लोग अपना बिजनेस करते हैं और लोगों का जिहड़ा है कि अपना आराम नाल बिजनेस करिए ते आपकी चैन की रोटी खाइए। पर पिछले दिनों तो जिहड़ियां पिछलियां सरकारां सीगियां तुहानू भी पता है राजपुरा गेटवे ऑफ पंजाब है, पर जिस हिसाब नाल राजपुरा साडा हलका है उस हिसाब नाल इस हलके का काम नहीं होया। वह क्यों? क्योंकि पिछलियां सरकारां दे लीडरां दीआं नीतां, पैसा करोड़ों रुपए आया लोगों की मेहनत का पैसा, पर वह सही यूज़ नहीं होया। अज भी राजपुरा हल्के दे लोग सीवरेज की प्रॉब्लम नाल जूझ रहे ने, पीण वाले साफ पानी तो जूझ रहे ने, होर भी बहुत सारिया समस्यावां ने जिहड़ियां जे आपां शहर की गल करिए टाउन की, इहदे विच सीवरेज पीण वाला पानी दीआं प्रॉब्लम आ गईआं। पिंडां च तां बुरा हाल है, पानी की निकासी का बुरा हाल है। आ कुछ बरसातां पईआं बेचारे साडे किसान भरावां दीआं फसलां दा डुब गईआं, मतलब पैसा लग्या पर वो व्यर्थ गया क्योंकि प्लैनिंग नाल नहीं लाया। जे 100 रुपया लाना सी तां उत्थे 10 रुपए लगे है, 90 रुपए लीडरां दीआं जेबां विच ही गया। अच्छा। इस करके लोगों को इको एक उम्मीद है आम आदमी पार्टी तो, वो भरोसा लोगों ने आम आदमी पार्टी से रखिया, मेरे से रखिया। मैं हाले 3-3.5 महीने होए हैं, असी पूरी तरह वॉच कर रहे हैं भी कितने कितने की चीज़ की कमी है, क्योंकि ये नहीं है कि अज मैं काम शुरू करवा दा कल उन्होंने पट के दोबारा ठीक करावा। मैं चाहनी हाँ जनता की मेहनत का एक एक पैसा जनता से लगे और जनता दे यूजफुल हो, ना कि वह व्यर्थ जाए। की लोग होर की कुछ चाहते हैं? तुसी पहली बार जिहड़ी सरकार आई है लोगों को बहुत उम्मीदा है, लोगों ने बदलाव में वोट पाई हैगी आ, की लोगों की उम्मीदा है जी? क्योंकि अनइंप्लॉयमेंट जी आप गल की बेरोजगारी का बहुत बुरा हाल आ, सेहत सहूलतों का बहुत माड़ा हाल है, एजुकेशन का बहुत माड़ा हाल आ, कि बारे की प्लान की? देखो मैनू लगता पंजाब विच पहली सरकार होगी सरदार भगवंत सिंह मान जी की, जिन्होंने जो वादा किया एम्प्लॉयमेंट का, आंदे ही जिहड़ियां 25,000 के करीब नौकरियां कढ़ियां ये सिर्फ आम आदमी पार्टी ने ही कढ़ियां। जिहड़े काम दूसरियां सरकारां लास्ट के 6 महीनों करदियां सी असीं आंदे ही करना शुरू करता। स्कूलों का एजुकेशन का बुरा हाल है, सेहत सहूलतों का बुरा हाल है, सबनों पता है, हॉस्पिटलों का बुरा हाल है। पर हुण आम आदमी पार्टी की सरकार आने तो बाद जे अज असीं मेन गल राजपुरे की करिए, मेरी एक टीम है, लेडीज़ की टीम है, जेंट्स की टीम है साड़ी, जिहड़ी कि हर टाइम हॉस्पिटल वॉच करती है, सुबह 9 बजे पहुँच जाती है, 2 बजे तक उत्थे ही हुंदी है कि पब्लिक नूं कोई परेशानी तो नहीं, डॉक्टर्स नूं कोई परेशानी तो नहीं। साडा इक्को ही मकसद है कि जे लोगों ने साडे ते विश्वास किया है असीं उन्हां दा नाल उन्हां दी उम्मीदां ते खरे उतरीए, एक एक वादा पूरा करिए। मैडिकल दे अकॉर्डिंग ही 15 अगस्त नूं साडे हल्के दे बनूड़ एरिया विच एक मुहल्ला क्लीनिक खुल रहा है और होर भी बहुत जल्दी होर मुहल्ला क्लीनिक खोलांगे ताकि लोगों नूं सेहत सहूलतों तो वांझे ना रहना। एक ना थोड़े जो झुग्गी झोंपड़ी वाले से जो बेघरे लोग है उन्होंने वास्ते एक बसेरा स्कीम जो प्रोजेक्ट आया जी, वो पता लगे है भी करोड़ों रुपये का खुरद बुरद होया कि अलाटमेंट नहीं हुई हैगी, की स्टेटस उहदा, की तुसीं उहदे बारे की सोचा है? देखो जिहड़ा बसेरा प्रोजेक्ट से बहुत अच्छा प्रोजेक्ट आया सी, पर उही गल फिर आ गई भी लीडरां दीआं माड़ियां नीतां। बसेरा प्रोजेक्ट भी इन्हां दीआं जिवें कहिंदे घपलेबाजियां दी भेट चढ़ गया, उहदी असीं हुण इनकुआरी करवा रहे हैं। मैं सारी फाइल कढ़वा के दे चुकी हाँ, उहदी इनकुआरी हो रही है। वह आया सी गरीबां लई, पर उत्थे की है जिहड़े चंद फ्लैट अलॉट भी होए, चंद मकान अलॉट भी होए, वह जिहड़े लीडरां दे चहेते सी उहनां नूं अलॉट कीते, उहनां ने अलॉट करवा के उत्थे अगे किराए ते दित्ते। होर भी काफ़ी है, बिल्डिंग बचाले पई है, पर करोड़ों रुपये उस ते लग गए है। बहुत जल्दी जनता के सामने उसका घपला भी उजागर होगा। लोगों के पैसे का मिसयूज होया, बहुत मिसयूज है राजपुरे विच, जिवें कि साडे MLA साहब सीगे जिहड़े हरदयाल सिंह कंबोज जी, वह महाराणी अपने आप नूं दसदे सी कि महाराणी परनीत कौर के बहुत नेड़े, तुहानू सबनों पता ही है, और महाराणी परनीत कौर ने दोनों हत्थां नाल राजपुरे च पैसे की पुछार की है, पर वह पैसा गया कित्थे? क्योंकि महाराणी परनीत कौर दीआं उन्हां दे हर माड़े काम च हिस्सेदारियां सीगियां,
शराब दी नकली फैक्ट्रियां सी, जुए सट्टे दे अड्डे सी। इन्हां दे आपदे साथी एमएलए मदन लाल जलालपुर जी, उन्होंने एक इंटरव्यू च कहा सीगा भी असी की करिए, साडा की कसूर है, जदों महाराणी नूं हिस्सा जांदा सीगा। इन्हां दे एमएलए खुद कह रहे ने तां इत्थे इन्ना पैसा आया राजपुरे विच, कहिंदे साडे हरदयाल सिंह कंबोज जी दी वर्डिंग सीगी कि राजपुरे च मैं 1,000 करोड़ रुपए का विकास किया है। मैं तो लोगों भी पूछदी हाँ, एम एल ए साहब न भी कहा कि भी सानू दसता दो 1,000 करोड़ रुपया कितने है, अज भी गलिया च पानी खड़ता है, अज भी सिवरेज भर रहे हैं, अज भी लोग गंदा पीन वाले पानी तो मजबूर है, एजुकेशन का बुरा हाल है, मेडिकल फैसिलिटियां का बुरा हाल है, जिहड़ी लोगों दहशत सी, जिहड़ी इन्होंने दहशत पाई हुई सी परचे, हरदयाल सिंह कंबोज ने जिहड़ा बंदा आवाज चकदा सी उत्थे परचा पाउंदे सी। इन्ने लोग हुण साडे कोले लिस्टां लै लै के आ रहे हैं, क्योंकि साडे माननीय मुख्यमंत्री साहब ने कहा कि जिन्हां ते झूठे परचे होए असीं सारे रद्द करवावांगे। भी मैं हैरान हाँ, लोग एक एमएलए चुंदे ने सेवा करन लई, काम करन लई, ना कि परचे करवाउण लई, ना कि दो नंबर दे काम करन लई। उस लई राजपुरा मैं देखा तां पंजाब विच नंबर वन ते सीगा। असीं ओह कलंक धोणे आ राजपुरे तों, जिहड़े कलंक लगे आ साडे सोहणे शहर ते, असीं ओह धोवांगे, पर हाले थोड़ा टाइम लग रहा है, हाले असीं वॉच कर रहे हैं एक एक चीज़ कि कित्थे कित्थे की कमी है। सब तो पहला पब्लिक नूं की चीज़ां चाहीदियां ने, जिवें पब्लिक की डिमांड सी राजपुरे च बस स्टैंड एक चिट्ठा हाथी बनया होया सीगा, तुसी भी लंघदे होवोंगे गगन चौंक चों लंघना मुश्किल हो जांदा सीगा, इन्ना ट्रैफिक जैम सी। असी आंदे ही सब तो पहला बस स्टैंड चालू किया, बस स्टैंड चालू करन नाल गगन चौंक खाली हो गया, लोगों नूं उत्थे फैसिलिटियां मिलन लग गईं, जिहड़ा कि ये कहिंदे सी कि बस स्टैंड कदे चल ही नहीं सकदा। इत्थे ओह चीज़ आंदी है जो साडे सुपर सीएम अरविंद केजरीवाल जी कहिंदे है कि काम कोई भी मुश्किल नहीं, नीयत साफ होनी चाहिए। असी साफ नीतां नाल आए हाँ, असी सरदार भगवान सिंह मान जी की टीम आ, एक ईमानदारी का रोल मॉडल बनना है, तो उही लोगों के असी काम करन लगे। बड़ा डेडिकेशन आ जी तुहाडा, जिहड़ा महाराणी परनीत कौर ते भी उहदे सारे कम्मां च हिस्सेदारी हैगी सी, कोई सबूत वगैरह हैगे तुहाडे कोल? असी की उन्होंने एमएलए खुद कह रहे हैं, तुसी मदन लाल जलालपुर जी की इंटरव्यू कढ के देख लो, उन्होंने खुद कहा है कि नकली शराब दी फैक्ट्रियां साडियां नहीं सीगियां, ये तो महाराणी दी सीगियां, उन्होंने हिस्से जांदे सीगे, इन्हां दे एमएलए खुद कह रहे ने। तुसी एक चीज़ देखो, तुहाडा नज़दीकी एमएलए होवे उस दे हलके च इन्ने गलत काम कर रहे हो रहे होण, क्यों नहीं ये लीडर चक के, कित्थे सीगे कैप्टन साहब, कित्थे सी महाराणी परनीत कौर, सुत्ते पए सी, इसे करके सी नकली शराब दी फैक्ट्रियां राजपुरे विच चल रही सी। राजपुरे की नकली शराब पी के तरन तारण च तुसी देखो किन्ने लोग मर गए सीगे, उदों भी एलीगेशन आया राजपुरे ते, जुए सट्टे दे अड्डे चले राजपुरे च, कैसीनो पकड़े गए बनूर च, कित्थे सीगे महाराणी परनीत कौर, कित्थे सी कैप्टन साहब, क्योंकि महलां च हिस्से जांदे सीगे, इस करके चुप सीगे। जिहड़े हैगे ने बीजेपी दे लीडर हैगे ने जगदीश कुमार जी, ओह मैडम नीना मित्तल ते एलीगेशन ला रहे ने भी जिहड़ी हरदयाल सिंह कंबोज नाल कितने ना कितने कोई अंदरूनी समझौता होया, जिस करके जिहड़े हैगे आ पिछे परचे हुए ने जां उन्होंने काम कीते उहनां ते पर्दा पाया जा रहा है। खुद समझौते करन च एक्सपर्ट ने, ये पहला अकाली दल च सीगे, जदों इन्हां ने देखिया भी मेरे तो जिहड़े दो नंबर के काम ने इन्हां तां हुण फड़े जाणगे, इन्हां ने फट दी ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। जदों इन्हां ने देखिया भी हरदयाल कंबोज तां मेरे तो हावी हो गया, इन्हां ने चक के बीजेपी ज्वाइन कर ली। ये हरेक बंदे नूं आपदे अर्गा समझदे ने भी हर बंदा मेरे अर्गा है। मैं इन्हां नूं एक गल कही है भी एक भी प्रूफ लैके आओ कि नीना मित्तल का किसी नाल समझौता होया है। नीना मित्तल जिहड़े काम करती है, लोगों नूं काम करके दिखाती है, जगदीश कुमार जग्गा मंगू नहीं भी अंदर तो सैटिंग है, तो बाहर करके प्रेस कॉन्फ्रेंस, सरदार भगवान सिंह मान नूं मैं चिट्ठी लिखी है हरदयाल कंबोज दियां नकली फैक्ट्रियां दा पर्दाफाश होवे, वह तो इनकुआरी ऑलरेडी चल रही है। भगवंत मान जी फाइल लै चुके ने, SSP साहब जिहड़े इत्थे सीगे पहला उस टाइम ड्यूटी तो, सब तो फाइलां लै चुके ने, इनकुआरियां विजिलेंस चल रही ने, वह की इनकुआरियां करनगे? उदों क्यों नहीं बोले जदों एक हरदयाल कंबोज नाल सीगे? क्योंकि उदों इन्हां दे आपदे हिस्से सी, जुए सट्टे च इन्हां दे हिस्से सी, सारा राजपुरा जानदा है लॉटरी का काम राजपुरे च किहदा सीगा, नकली नोटां दीआं मशीनां फड़ियां गईआं उह किहदीआं सीगीआं। हुण मेरे कोल इन्ने लोग आंदे आ, जिहड़ी जगदीश कुमार जग्गा दी पानी दी फैक्टरी चलदी है, ग्राउंड वाटर खत्म हो रहा है, इह पानी उत्थों नजायज़ कढ़िया जा रहा है, मेरे कोल इन्ने लोग आंदे आ कि इहदी इनकुआरी करवाई जावे, उहदी भी बहुत जल्दी इनकुआरी होण जा रही है इन्हां दी। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਨਾ, ਛੱਜ ਤਾਂ ਬੋਲੇ ਛਾਲਨੀ ਕੀ ਬੋਲੇ, ਇਹ ਛਾਲਨੀਆਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਏ ਅਸੀਂ ਬਰਾਦਰੀ ਲਈ ਐਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਉਦਣ ਦੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਬਰਾਦਰੀ ਲਈ? ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਭੋਲੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵੇਲੇ ਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੱਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁੰਝੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ,
अच्छे काम करने लिए आओ आप इकट्ठे होकर राजपुरा की तरक्की करिए। पर लोग बिना गल तो बोलो ना जिदे विच पहला आपकी चादर देखो आपकी चादर हेठ सोटा मार लो। जगदीश कुमार जग्गा जी का बीजेपी भी जाने का की मकसद रहा होगा जिम्मे दसद भी उनकी पानी की फैक्ट्री चलती है कितने उन्होंने बचाने की कोशिश है आपके माड़े कामों को बचाने लिए बदलते रहते हैं। पहला अकाली दल से उदो कहते जी मैं सुखबीर बादल के जमा नेड़े हाँ मेरी सज्जी बाह मैं सुखबीर बादल की फिर हरदयाल कंबोज दे सब तो नेड़े हाँ मेरा भरा है हरदयाल कंबोज उदो तो हरदयाल कंबोज बड़ा चंगा सी जो हरदयाल कंबोज ने इन स्टेज पर नहीं चढ़न दिता जग्गा जी ने स्टेज भरी पंडाल चो महाराणी परनीत कौर स्टेज पर बैठी है जग्गा जी स्टेज पर चढ़न लगे इन्होंने स्टेज तो उतारता उदू बाद हरदयाल कंबोज बुरा हो गया जा इन्हां दी कोई दो नंबर के पैसे बनदे आ सैटिंगां नहीं हुई उदो हरदयाल कंबोज बुरा हो गया। मैं मनदी इन्हां नूं तां जदों उन्हां दे नाल सी उदों बोलदे वी आ हरदयाल माड़े काम कर रहे अज बोलन दा की फायदा। मैडम थोड़े इत्थे नकली जिहड़ी हैगी आ सूरजमुखी बीज दा इक एलीगेशन लग रहा हैगा वी जिहड़ा वेचिया हैगा वो आम आदमी पार्टी का लीडर हैगा सी जॉइंट सैकटरी हैगा सीगा धरना लगातार चल रहा है तुसीं जाके कहिंदे उन्हां दी कदसार भी नहीं हैगी जिहड़े किसान बैठे ने अंदोलन कर रहे ने उन्हें क्यों नहीं तुसीं गए इहदा की कारण है। देखो जिहड़े नकली बीजा का मामला है वह किसान भरा साडा ही परिवार है वह कोई दूर नहीं है असी भी कितने कितने पिछों किसानों के धियां पुत्तां मेरे को आए थे मैं उन्होंने कहा भी जो तुहाडी कंप्लेंट है इहदी इनकुआरी करांगे जिहड़े दुकानदार है उन्हां दी FIR भी उन्हां ते हो चुकी है जिहड़े खेतीबाड़ी डिपार्टमेंट वाले है उन्हां ते भी FIR हो चुकी है इन्हां ने कंज्यूमर कोर्ट च भी केस पा दिता गया है। जे हुण जिहड़े दुकानदार है जे वह आपदियां जमानतां करा लिया है वह साडा की कसूर है हाई कोर्ट च उन्हां ने जमानतां कराईआं वह इको ही गल कहिंदे आ असीं माल बेचिआ साडे कोले बिल है साडे कोले प्रूफ है अपरूव किने कीता खेतीबाड़ी डिपार्टमेंट ने कसूरवार कौन है खेतीबाड़ी डिपार्टमेंट अज भी कोई डिपार्टमेंट कोई कोर्ट कोई पुलिस दुकानदारा नूं कसूरवार कर दे मैं खुद जाके उन्हां नूं अरैसट करवाऊंगी। जिथों तक गल है आम आदमी पार्टी की मैं एको ही गल कहनी हाँ आम आदमी पार्टी का कोई भी वलंटीयर चाहे कोई मेरा परिवारिक मैंबर क्यों ना हो जे कोई गलत काम करता मैं उन्होंने कदे भी बख्शूंगी नहीं क्योंकि आम आदमी पार्टी एको ही चीज़ है सच्चाई नाल खड़ना है असीं जिहड़े बाकी रवायती पार्टियां हैगियां ने हरियाणा ही कितने ना कितने आम आदमी पार्टी को घेरन की कोशिश करदियां ने इको गल आ जाती है भी जिहड़े हैगे ने भी जिहड़ी आम आदमी पार्टी आ भी माफ़ी मंगने वाली पार्टी हैगी है पहला कोई ना कोई गलती कर लेंदी आ उस तों बाद माफ़ी मंग लेंदे ने भी जिहड़ी इह सरकार आ लोकां ने अनाड़ियां दे हत्थ फड़ा दी अनाड़ी तो हैगे आ उह किवें सानू सैटिंगा करनिया नहीं आंदियां सानू दो नंबर दे काम नहीं करने आंदे सानू कोई गलत काम नहीं करने आंदे काम सानू की करन आंदे आ लोकां दा दर्द समझना आंदा है लोकां दे काम करने आंदे आ परिवारों में खुशियां लियानियां आंदियां चुल्हिआं च अग बालनी आंदी है ये तुसीं चाहे अनाड़ी कह दो असी नेक दिल इंसान आ असी नेकी करन आए आ असी लोकां नूं ये दिखाण आए आ कि सरकार की हुंदी है लोकां दी सरकार की हुंदी है वह सरकारां नहीं हुंदियां जिन्हां ने कि हर माड़े कम्मां विच हिस्सेदारियां रखनी है वह आम आदमी पार्टी नहीं है उहनूं चाहे तुसीं अनाड़ी कह दो चाहे समझदार कह दो। मैडम थोड़ा शहर पुराना शहर हैगा कारोबारियां दा शहर कहा जांदा है बहुत सारे नीवे इलाके है इतने पानी खड़ता है जिमें आप ही पहला दस के दूषित पानी लोग पीने वास्ते मजबूर है पहला कुछ मौत भी होने है ये वास्ते की प्लानिंग की थी। देखो ये साड़ी पूरी प्लैनिंग चल रही है अज जे मैं कह दा भी आ गली खराब है जी इन पट के मैं इन ठीक करा दा कल दूजे पासे दिक्कत है साडा पूरा रोड मैप बन रहा है पूरे राजपुरे जिहड़ी कि अज तो 10 साल पहला पानी वाली पाइपलाइन चेंज हो जानी चाहिए सी इन्होंने नहीं की बिल जरूर पास होए हुए ने हाले तो हौली हौली होर बथेरे घपले निकलणगे जिहड़े बिल पास होए हुए ने कागजां च काम होए ने काम वैसे एक्चुअल च नहीं होए असी वो प्लैनिंग बना रहे हैं पूरी पूरी राजपुरे की पाइपलाइन चेंज हो रही है जिदे नाल घरां च साफ पानी पहुँचे जिहड़े पिंडां च निकासी की दिक्कत है उहदा भी पूरे पिंडां च पाइपलाइन बनूगी। मेरे कोले कई पिंडां वाले आए सीगे जी साडी सड़क बनवा दो मैं कहा जी देखो पैसा मेहनत दा असी भी एक मेहनत करके इतों तक पहुँचे हाँ असी वो बर्बाद नहीं कर सकते पहला जिहड़ा निचला काम है चाहे सीवरेज दा चाहे पानी दा पहला वो पऊगा फिर उपर सड़क बनूगी ताकि ये ना हो भी अज असी सीवरेज पा दीए तो 4 दिन सड़क फिर पट दीए हूँ बहुत जल्दी बरसातों तो बाद हूँ तो पट नहीं सकते बरसातों तो बाद पानी की निकासी का साड़ी प्रियोरिटी है कि पानी की निकासी का सब तो पहला इंतजाम करिए ताकि साडे किसानां दी धीआं पुत्तां वांगू पाली हुई फसल ना मरे। मैडम लगातार जिहड़े मंत्री हैगे ना किसी विवाद के विच उलझदे जांदे ने पहला जिहड़े हैगे ने थोड़ी जिले नाल संबंधित हैगे ने चेतन सिंह जोड़मा जरा राज बहादुर जी के मामले में उलझ जांदे ने ते अज एक फोटो
वायरल हो रही है अखबारों के सुर्खियां बनी हुई है भी जो दीप सिद्धू ने जाके उ 26 जनवरी 2021 झंडा लहराया है और जाके लाल किले उत्ते लालजीत भुल्लर भी दिखाई देते हैं तो खहरा साहब कहते हैं भी इन्हें भी कार्रवाई होनी चाहिए है कि ये कारण की लगता थोड़ा कि लगातार क्यों उलझते रह जा रहे हैं मंत्री। देखो मैनू इस चीज़ की काले कोई खबर नहीं है, मैं पूरा पता कर लैनी हूँ फिर ही थोड़ा जवाब देना पौ मैं सही समझूंगी। जिहड़ा चेतन सिंह जोड़े माजरा जी दा ठीक है, मैं ये नहीं कहती वीसी साहब भी साढ़े रिस्पैक्टेड ने अच्छे डॉक्टर ने, मैं एज ए डॉक्टर उन्होंने कई बार मिल भी चुकी हाँ, बट जिहड़ा उत्थे हॉस्पिटल का हाल सी गद्दियां दा अज तुसीं मंत्री नूं भुल जाओ एक इंसान भी देख के वह गद्दियां दा हाल रोऊगा। हॉस्पिटल का खुद का स्टाफ कह रहा है कि 15 साल हो गए साढ़े गद्दे नहीं चेंज हुए, ये होर कुछ नहीं एक विरोधी पार्टियां कोले होर कुछ नहीं मिल रहा आम आदमी पार्टी लई, इन्हां नूं ये सारियां पार्टियां मिलकर आम आदमी पार्टी नूं घेरना चाहुंदियां है कि भी किवें असीं घेरीए ते पर कलैप इन्हां नूं कलैप्स कर दईए, पर साडे नाल असीं सच्चियां नीतां नाल आए हां, परमात्मा का साथ है ते जनता का साथ है, सानूं कोई नहीं गलत कम्मां च घेर सकदा, असीं लोकां दी सेवा करना आए हां ते सेवा करदे रहांगे। मैडम कल जिहड़ा हैगा संसद दे विच जिहड़ा बिजली सोध बिल हैगा 2022 जिहड़ा उह पेश कीता गया पार्टी का की स्टैंड रहूगा क्योंकि जे किसान अज उन्होंने रेलां भी रोकिया है तो धरने दे रहे हैं भी वह कहें भी जे बिल लागू हो जाता है तो जी खेती प्रधान सूबा हैगा पंजाब वह बहुत नुकसान हो जाएगा, आम आदमी पार्टी का की स्टैंड है? बिल्कुल होगा जी, केजरीवाल जी तो कल भी पहला भी केजरीवाल जी ने रौला पाया सी, साडे एम पी साहब ने भी सारे जिन्हें एम पी उन्होंने भी आवाज़ चक्की सी भी ये जे बिल पास हो गया तो लोगों को एक तरह मार देंगे, सारिया कंपनियां प्राइवेट कंपनियां दे हत्थां चलियां जाणगियां ते साडे किसान वीर जां पंजाब दे लोग जां जिहड़ी असीं कहिंदे आम आदमी पार्टी लोकां नूं बिजली फ्री देऊगी तो इन्हां ने इन्हां दा इक्को ही मकसद है भी जिहड़े असीं वादे कीते उन्हां नूं किवें फेल कीता जावे। बिल्कुल ये बिल गलत है, असीं आम आदमी पार्टी का विरोध करदे। मैडम पिछे जे जदों मंत्री मंडल का विस्तार होया हैगा नीना मित्तल का नाम चलिया सीगा, नीना मित्तल ते नाल चलिया सी अनमोल गगन मान दा, कितने कमी रहेगी किमें बाजी मार गए जिहड़े अनमोल गगन मान नीना मित्तल तक कितने कमी रहेगी? नहीं कमी की गल नहीं होंगी, मेरी पार्टी जिदन मैनू समझूगी उदन जिम्मेवारी देऊ, मेरी पार्टी ने मैनू जो हुण तक जिम्मेवारियां दित्तियां अज मैनू पार्टी ने टिकट दित्ती, पब्लिक ने मैनू एम एल ए बनाया, मैं उहदे लई भी पार्टी का बहुत धन्यवादी हाँ, अज मैं पूरे पंजाब की पार्टी ने मैनू खजानची बनाया होया मैं उहदी भी बहुत धन्यवादी हाँ। जिदन सरदार भगवंत सिंह मान जी अरविंद केजरीवाल जी समझणगे भी इहनू होर वड्डी जिम्मेवारी दित्ती जावे उस दिन नहीं, मैं शुरू तो एको ही चीज मन के चली हाँ भी मेरी पार्टी है मेरा परिवार है, जिदन मैनू अरविंद केजरीवाल जी भगवंत सिंह मान जी जिस काबल समझणगे उसे मैं पहुँचा देंगे मैं खिड़े मत्थे सरकार। एक जाते जाते लास्ट क्वेश्चन हैगा जी, जदों कांग्रेस सरकार सी तुसी उस टाइम जिहड़ा आवारा पशुओं लेके एक धरना दिता सी वड्डा धरना दिता सी भी ये जिहड़े आवारा पशु जिहड़े हैगे ने लोगों की मतलब कि कितना कितने जान का ये मतलब कि जाना गवा रहे हैं एक्सीडेंट हो रहे हैं, पर अज तक जिहड़े हैगे ने थोड़ी सरकार आ जिहड़े पशु हैगे ने वह बहुत ज़्यादा बढ़ गए, अज नीना मित्तल क्यों नहीं मतलब कि आवाज़ बन रही इस गल दी? मैं थोनों देखो पहला एक गल कही है भी नीना मित्तल काम करके दिखाती है कला रोला नहीं पाती, 105 पशुओं की सानू समाने गौशाला चो परमिशन मिली सी, 105 पशु असी चक के उत्थे भेजते सी, उस तो बाद 5-7 दिनों होर बहुत सारे पता नहीं कितों आए ने पशु आ चुके ने, SDM साहब उहदी परमिशन लै रहे ने, बहुत जल्दी इन्हां नूं भी भेजा जाऊगा। राजपुरे च मैं एक ही चीज़ कहनी हाँ राजपुरे जिस काम नाल जिस चीज़ नाल मेरी पब्लिक नूं दिक्कत है उहदा काम सब तो पहला नीना मित्तल करूगी, ये नहीं है कि मैं सिर्फ रोला ही पावां मीडिया चाहते एक कहिंदे TRP बधाण लई असीं करिए, नीना मित्तल काम करके दिखाती है ना कि कल्लियां गल्लां करदी। अच्छा राघव चड्ढा दी जिहड़ी हैगी आ लगातार जिहड़ी है इंटरफेरेंस लगातार वध रही है पंजाब दे विच, पंजाब दे लोक इस गल नूं लैके चिंतित ने, यह भी कितना कितने गल चलती है भी हो सकता है भी भगवंत मान को कितना कितने साइडलाइन करके राघव चड्ढा को जी पंजाब की बागडोर संभाल दी जाए, ये पिछे की लगता थोड़ा? देखो ये सिर्फ विरोधी पार्टियां दियां स्टंट है सारे जिहड़े पार्टी नूं बदनाम करन लगे हुए है, भगवंत सिंह मान जी ते राघव चड्ढा दोने भरावां वांगू रहिंदे ने पंजाब नूं अग्गे चला रहे ने, अज असी सारी टीम सरदार भगवंत सिंह मान जी की अगवाई विच काम कर रहे हैं, जो भी सानू आदेश आंदा भगवंत सिंह मान जी वल्लों आंदा है, ये तो दूजिया पार्टियां को मैं थोड़ा दसी जानी कुछ नहीं आम आदमी पार्टी को बदनाम करने लिए, कदे कोई पॉइंट कड लेंदे कदे कोई, पर पंजाब की जनता समझदार है उन्होंने भगवंत सिंह मान नूं जिम्मेवारी दी है और सरदार भगवंत सिंह मान जी ही पंजाब नूं चला रहे।
एक होर चल रहा है जी, सिमरजीत सिंह मान तो कह रहे हैं भी 15 अगस्त को अपने घर के उत्ते केसरी झंडे लहराओ, दूजे पासे नरेंद्र मोदी जी ये गल कह रहे हैं भी अपने घर से तिरंगे लहराओ। ये पिछे की लगता थोड़ा सियासत नहीं लगती? लोग तो यह भी कह रहे हैं भी जोड़े नरेंद्र मोदी है वो ये देखना चाहते हैं जिन्हें 2024 की तैयारी कर रहे हैं। चाहे नरेंद्र मोदी जी है चाहे सिमरनजीत सिंह मान जी है, मैं एको ही हाथ जोड़ के उन्होंने बेनती करूँगी कि साडा भाईचारा खत्म ना करो, पंजाब का ज देश का माहौल खराब ना करो। असी लोग चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी कम्यूनिटी दे है, असी सारे मिल के रह रहे हैं। तिरंगा साड़ी शान है, असी हमेशा वो रिस्पैक्ट करते हैं। कोई कहता तिरंगा लहराओ, कोई कहता केसरी झंडा लहराओ, ये माहौल खराब ना करो। असी पंजाबी हाँ, पंजाब के लिए जिमें कहते पंजाब की मिट्टी चो पैदा हुए हैं, पंजाब लिए जान देने तैयार हाँ। सानू खुशहाल जीवन बना ली बतीत कर लैन दो। एक चंगी ईमानदार सरकार बनी है, वो अगवाई हेठ सानू रंगला पंजाब मिल के लोगों नाल मुड़ रंगला पंजाब बना दे। नीना मित्तल जी थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद, सानू समा दिता। थैंक यू। ये सन नीना मित्तल जिन्होंने सारिया गलों का बड़ा तरीके जवाब दिता है, अपन प्लानिंग भी दसिया। अज लई बस इन्ना ही, तुसीं होर खबरां लई देखते रहो विजन पंजाब टीवी, हर कदम तुहाडे नाल।